ताजो साहब हैदराबाद खां खास कही आया न सही दावत ते इंदा ई पेंजो मुकालो पेश कंदा आई उनवान ता जो आए सराज एक बहगण शख्स सही लेखक मटे छले साईं जीएम सद सराज आई मु सिंध चयो पर हाने साईं जीएम सद सराज ए कराची सराज रतिय जी रिहाण जे कालम में एकले में लिखियो त अज मुखे बिटाई डाडो दो याद अचे अज मुखे दियाच डाडो दो याद अचे अज मुखे साईं जीएम डाडो दो याद अचे वो कालम सराज उन वक्त लिखियो हो जदे साईं जीएम सैद बिकुल सराज सिंध जे हाल माजी ए मुस्तकबिल जे उफक ते को सवेरो को सोजरो तलाश करण ला मलाइकन सां झेड़न में मसरूफ हो ईअं मूंखे बि अॼु साईं जी एम ॾाढो यादि थो अचे मूंखे बि अॼु साईं इब्राहिम ॾाढो थो यादि अचे मूंखे बि अॼु सिराज ॾाढो यादि थो अचे यादि त ॿिया बि केतिरा ई सिंध संवार ऐं सिंध जीआर शख़्स अचनि था पर हिन टिनि शख़्सनि ऐं किरदारनि जी पाण में हिकु निस्बत हिकु जहिड़ाई आहे हिननि जो रूह साह ज़मीर ख़मीर सोच इदराक ऐं अमल हिकिड़े ई सपने जे बरज़ख में अटकियल हो जेको सपनो अञा साकार न थियो आहे ही उहे दूरंदेश शख़्स आहे जिन जी छई हिस जिन जे इदराक जी अखि जिन जे फ़िक्र ऐं फ़हम ख़तरनि ऐं ख़दशनि खे वक़्त खां अॻु भांपे वठंदो हो ॼण त लतीफ़ जो पड़ाॾो आहे बंदर जां भई त सुखाण मसूं सराज जे लफ़्ज़नि में दुनिया जी तारीख़ में साईं जी एम पहिरियों ऐं मुनफरद माण्हू हो जंहिं पंहिंजे माज़ीअ जी सियासत खे अलल ऐलान त्यागे छॾण जो ऐलान कयो ऐं पंहिंजे असुल आदर्श पंहिंजे असुल वरसे पंहिंजी सिंध जे लाज़वाल ऐं अबदी ऐं अज़ली आज़ादीअ जो नारो हयो कूड़ खां सचाईअ तरफ़ हिन जी हर विख खे भूमि बिस्मिल्ला चयो ऐं उहा विख लखे ज़हननि में ब्रांग बणिजी चुकी आहे अणॼातल सुञातल पर मुमकिन नामुमकिन नामुमकिन मुमकिन मंज़िल ॾांहुं जंहिंजो रुगो इरादो बि मुक़दस आहे जंहिंजो इदराक सूफ़ियुनि जे मारफत जे दर्जे में बरज़ख जे विच वारी सदर नशीनीअ जो तख़्तु आहे जॾहिं अंग्रेज़ साम्राज्य जो सिज मशरक़ जे धरतीअ ते लहण वारो हो त सिराज लिखियो हो त जंहिं वक़्तु 23 मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो ठहराउ पास कयो वियो हो त उन जे तसवुर में कन्फेडरल निज़ाम हो जंहिंमें शामिलु रियासतूं या वहदतूं ख़ुदि मुख़्तियार ख़ुदि अख़्तियार हूंदियूं जंहिंजे लाइ सिंधी क़ौम परस्त अंसर घणे क़दुरु मुतमैन हो तंहिं हूंदे बि दानश्वर ऐं अदीबनि जो हिकिड़ो नंढिड़ो तइदादु उन ख़्याल जो हो त जीअं त जंहिं वक़्तु अंग्रेज़नि 43 में सिंध ते कब्ज़ो कयो उन वक़्तु उन जी आज़ादु मुल्क वारी हैसियत हुई उन करे अंग्रेज़नि जे हिंदुस्तान मां निकिरी वञण जी सूरत में उन जी आज़ादु हैसियत खे बहाल थियणु घुरिजे इहो ई उहो पस मंदर हो जंहिं इब्राहिम जोए खां कि सेव सिंध सेव सेव द कॉन्टिनेंट किताबु लिखायो ईअं सिराज हिन ॿिनि शख़्सनि जी फिक्री वाट जो सूंहं शार सुजाग सुजाण ॾाहो जंहिंजी सिंध जी सियासत ऐं वफ़ाक़ तरफ़ां सिंध सां थींदड़ बेवाजिबियुनि ऐं ज़्यादतुनि ते ॻूढ़ी नज़र रही ऐं हिन जे कलम सिंध जे मफ़ादनि ऐं तशख़ुस जी सलामती ऐं रखवालीअ जो सफ़र जारी रखियो ऐं गॾो गॾु सिंध जे तारीख़ जे दरबारी दानश्वरनि जी ग़लति बयानी कूड़ कुटण वारी रवायत खे त हू बख़ूबी सम्झंदो हो पर कारीगरीअ सां जदीद ऐं लिबरल तरीक़ेकार सां लिखियलु तारीख़ खे परूड़े वठंदो हो मिसाल तौरु आयशा जलाल जे किताबनि द सोल स्पोक्समैन ऐं सेल्फ एंड सावरिनिटी ऐं एतराज़ हसन जे किताब इंडस सागा में कम आंदल जदीद ऐं लिबरल तरीक़ेकार जी खोल कंदे सिराज लिखियो त उन ॿिन्ही क़ाबिल लेखकनि ॾखिण एशिया जी सियासत जे वसी मुबहम ऐं मुंझियल निज़ाम में या वरी सिंधू तहज़ीब जी गॾियल सुञाणप वारे मफ़रूज़े में सिंधियुनि पंजाबियुनि पख़्तूननि ऐं बलोचनि जे क़ौमुनि वारी हैसियत खे ज़म करण जी कोशिशि कई आहे उन्हनि किताबनि जी रोशनीअ में रोज़ानी डान 23 मार्च 2001 में छपियल पंहिंजे मज़मून में सिराज विरहाङे जे साने सिंधी क़ौम जे अटूट हिसे सिंधी हिंदुनि ते ऐं कराची ऐं हैदराबाद में थियल हमलनि जे नतीजे में सिंध मां संदन इज्तिमाही लॾ पलाइण वापारी तबिके उस्तादनि सरकारी अमलदारनि लेखकनि ऐं दानश्वरनि जी हिजरत सिंधी समाज जे सकाफ़ती तौर यतीम थियणु हिंदुनि जे छॾियल ज़मीनुनि घरनि ऐं दुकाननि जी तरजीह बुनियादनि ते ॿाहिरां आयलनि खे अलाटमेंट लाइ तसुब ते ॿधल कानूनी निज़ाम जे मुतारिफ़ु कराइणु सबबि मक़ामी सिंधी आबादीअ में निरासी
निराशाई ऐं बेज़ारीअ जो नोहो ऐं ॾुखु बयानु कंदे हिकु ॿिए साने कराचीअ जी सिंध खां अलहदगीअ जो ज़िक्र कंदे लिखियो हो त जंहिं वक़्तु इक़्तिसादी हक़ीक़तूं जहिड़े ऐं छिकताण खे जनम ॾेई रहियूं उन वक़्तु ओचितो जिना साहिबु सिंध सूबे खां कराचीअ खे धार करण जो हिकु तरफ़ो फ़ैसिलो करे छॾियो। उन फ़ैसिले जो तक़रीबन अहिड़ो ई साॻियो असरु सिंध में थियो जहिड़ो उन वक़्तु ढाका में थियो हो जॾहिं जिना साहिबु उहो ऐलान कयो त उर्दू पाकिस्तान जी वाहिद क़ौमी ॿोली थींदी। क़ाइदे अज़म जे उन फ़ैसिले ते सिराज जे लफ़्ज़नि में सॼी सिंध हैरान ऐं परेशान हुई। उहो अॻूणो अहसासु त पाकिस्तान जो ठहणु किथे सिंध लाइ हानिगार साबित न थिए ॿीहर उभरी आयो एतिरे क़दुरु जो ख़ुदि खोड़े जहिड़े मुस्लिम लीग लीडर बि उन फ़ैसिले ख़िलाफ़ु सख़्तु एहतिजाजु कयो। सिंध जे समाज मां शागिर्दनि उस्तादनि दानश्वरनि ऐं ॿियनि बि उन एहतिजाज में हिसो वरितो। सिंध वासियो हाणे अव्हांजे हाफ़िज़े खे जॻाइण लाइ हिकु भेरो सन 1948 में वठी वञणु ज़रूरी सम्झंदो। मुल्क जे बानी क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिना कराचीअ खे सिंध खां धार करण जी तजवीज़ ॾिनी। हिन लियाकत अली ख़ान ऐं संदसि हमदावा हवारियुनि जे मशावरत सां कराची वफ़ाक जे हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। उन फ़ैसिले उन वक़्तु सिंध में बाह भड़काई को अहिड़ो माण्हू सिंधी न हो जंहिंजो हां जुड़ियल न हुजे। वॾो तफ़सील आहे अयाज़ बि शेर लिखियो त जीअं तुंहिंजी जिंद सां मरूं तोसां माउ ॻोढ़ा ॻाढ़ न सिंधड़ी वरी वंदो वाह अरकनि पियूं जिंदड़ियूं तन मन आहे ता लूअ लूअ मंझि लॻाओ सभ खे आसाणे जो। उन अवामी एहतिजाज सिंध जे वॾे वज़ीर अयूब खोड़े खे गैरत ॾियारी ऐं हुन कराची मर्कज़ हवाले करण ऐं 2,00,000 पनाहगीर सिंध में आबाद करण खां मुस्लिम लीग हाई कमांड सां इख़्तिलाफ़ु कया। सिंध असेंबलीअ जे मेंबरनि यकरा 2 फरवरी 1948 ते कराची वफ़ाक खे ॾियण ख़िलाफ़ु ठहराउ मंज़ूरु कयो जंहिंजो हिकु हिसो हीअ असेंबली पाकिस्तानी वहदत जे सिंध हुकूमत जे कंट्रोल मां कराचीअ जे शहर खे ख़तमु करणु उनखे मर्कज़ी इंतिज़ाम में आयल इलाइक़े तौरु पंहिंजे तुर्त दायरे अख़्तियार में आणण वारे इरादे ऐं कोशिश ते पंहिंजी गणती ऐं ख़तरे खे रिकॉर्ड कराए थी ऐं हीउ अहवान उन करे घुर करे थो त कंहिं बि क़ीमत ते कराची मर्कज़ी इंतिज़ाम जे हवाले न कई वञे। लाहौर जे 40 वारे क़रारदाद मुस्लिम लीग जे पास कयल क़रारदाद जी शर्मनाक ख़िलाफ़ वर्ज़ी थींदी जेको पाकिस्तान जोड़ींदड़ ख़ुदि मुख़्तियार वहदतुनि जे इक़्तदार आला ऐं सालमियुनि ते ज़ोर ॾिजे ॾियनि। 28 अप्रैल ते सिंध जे वॾे वज़ीर अयूब खोड़े खे डिसमिस करे संदसि वज़ारत ऐं खेसि घर भेड़ो कयो वियो। मथिस बदउनवानियुनि जे मुक़दमे हलाइण जी तयारी कई वई। खोड़े जे जाइ ते पीर इलाही बख़्श खे सिंध जो वॾो वज़ीर बणायो वियो। हिन वॾे वज़ारत जी कुर्सीअ खे माणण शर्त न रुॻो सिंध खां कराची जी अलहदगीअ जो सौदो कयो पर तकिड़ो हेठियां क़दम खयां। अलीमो राष्ट्रीय जी एडीटीअ में निकिरंदड़ अख़बार सिंध ऑब्ज़र्वर खे 6 महीननि लाइ बंदि कयो। कराचीअ में मुक़ीम सिंधी शागिर्दनि ते फ़ौज जो पहिरो बीहारियो। कराची शहर सां 47 कलम लागू कयो। साईं जीएम सिंध खे डिफेंस सेफ्टी एक्ट हेठि आबाई कोट सन में 6 महीननि लाइ नज़रबंदि कयो। पर ॿिए तरफ़ साॻे वक़्तु हुसैन इमाम नाले हिकु शख़्स खां एहतिजाज कराया विया। कराची खे अलॻि सूबो बनाइण जा मुतालबा कराया विया। उन ॾिस में हुन जा डान में लॻातार मज़मून छपिया। 22 मई 1948 ते मर्कज़ी आइन साज असेंबलीअ में वज़ीर दाख़िला ख़्वाजा शाहबुद्दीन खां क़रारदाद पेश कराए उन ते तवील तकरीर कराए वई ऐं सिंध जे नुमाइंदनि खे सिर्फ़ु 48 कलाक अॻु इतलाउ ॾिनो वियो। उन मौक़े ते ओभर बंगाल जे मेंबर प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्तीअ ख़्वाजा शाहबुद्दीन जे दलीलनि खे रद्द कयो ऐं जंहिंजी तकरीर कामरेड हैदर बि जतोई पंहिंजे तारीख़ मज़मून छा कराचीअ में सिंधी ज़बान रहंदी या न में ॾिनो आहे। प्रोफेसर चयो त मर्कज़ी हुकूमत में ऐं सूबाई सिंध हुकूमत जे विच में कराचीअ जे इंतिज़ाम संभालण वारी राय ते सख़्तु इख़्तिलाफ़ु मौजूदु आहे। असांखे सिंध हुकूमत खे पंहिंजे मौक़ो पेश करण जे मौक़े ॾियण खां सवाइ कुझु बि न करणु खपे। कराची सिंध जो रूह आहे। रुगो एतिरो ई न उहा सिंध जी शहर आहे। कराचीअ खां सवाइ सिंध सहर आहे। जेकर कराचीअ खे सिंध जी छातीअ खां छिनो वियो त उहा बे यारो मददगार खसारे वारो सूबो थींदी। हिन वधीक चयो त आउं शेक्सपियर जे लफ़्ज़नि में चवंदुसि त हीउ सभिनी खां बेरहमाणो गाह आहे। कंहिंखे बि इहा उमेद कान हुई त मेज़बान महिमान हथां पंहिंजे घरां तड़ियो वेंदो। इहो बंगाली प्रोफेसर। उन मौक़े ते सिंध जे मेंबर मोहम्मद हाशिम गज़दर आइन साज़ असेंबली आॾो 2 फरवरी 1948 वारो
सिंध असेंबली पास कयल सॼो ठहरा मुकमिल मतन सूदो पढ़ियो ऐं उन खां सवाइ सिंध सूबाई मुस्लिम लीग जो पास कयल ठहरा बि सॼो तफ़सीली पढ़ियो ऐं उते वेठल सिंधी मेंबरनि खे चयईं त हिन ठहरा खे हज़म करण लाइ ऐं अव्हांखे गुज़ारिश कयां थो हिन तफ़सीली ठहरा में क़ाइद अज़म खां रियासत पाकिस्तान जे आइनी अॻुवाण तोड़े मुस्लिम लीगी तनज़ीम जे चूंडियल सरबराह जे हिसियत में मुतालबो कयो त कराची सदियुनि खां सिंध जो कुदरती अणटुट हिसो आहे। कराची खसणु चालीहनि जे ठहराउ जी खुली भञकड़ी आहे। इहो अमल सिंधी माण्हुनि जे पाकिस्तान जे आजियान जे सिलसिले में ज़ाहिर कयल इस्लामी भाइपी ऐं सखावत भरी मेज़बानीअ जे जज़्बे जे ख़राबु मोट आहे। अहिड़ी कोशिश पाकिस्तानी मुस्लमाननि में इतिहाद जे वधणु जज़्बे लाइ गंभीर ख़तरो साबित थींदी ऐं आख़िर में उनजो लुबे लबाब हो त सिंधी अवाम कराचीअ खां हथु खणण लाइ तयारु न आहे। उन ते मलक फेरोज़ खान लून तकरीरूं कयूं ऐं लियाकत अली खान तकरीरूं कयूं। नेठि उहे कटे थो छॾियां, नेठि 22 मई वारी आइन साज असेंबलीअ जे फ़ैसिले हेठि जुलाई 48 में ज़ोरीअ कराची खां सिंध खां धार कयो वियो ऐं उनजो एॾो रदमल थियो जो सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि जे दुकाननि तां जिना साहब जूं तस्वीरूं लाथियूं वयूं। हिते आऊं बहितर सम्झां थो साईं जीअंस जे किताब नई सिंध लाइ जिदोजहद मां हिकिड़ो टुकड़ो ॾियां। आख़िरकार कराचीअ खे सिंध खां धार करण जो सुवाल आइन साज असेंबली अॻियां आंदो वियो। ख़ान बहादुर खोड़े उन जी घणी मुखालफ़त कई पर 76 मेंबरनि जे असेंबलीअ में उनजो आवाज़ु तोतीअ जे नकारखाने में आवाज़ु मिसाल हो, कंहिं बि कोन ॿुधो। सारी सिंध जी मुखालफ़त हूंदे सभिनी जे अखियुनि आॾो अबाजदी वरसे में मिलियल ज़मीन जो टुकुरु सवन वरियनि ताईं संभालियल शहर ज़ोरीअ खसियो वियो। उन दर्द जी दाह कंहिंखे सुणायूं, हेॾा अञा थियनि बुरे हिन भंभोर ते। शेख अब्दुल मजीद सिंधीअ खे नज़रबंदीअ मां उन मामले ते इज़हार कंदे शाह जे रिसाले जे बेत में जेको त हसन मीर हुसैन जो जन न हींअड़े जार उन में तरमीम कंदे लिखियुमि, कराचीअ जे वञण जो जिन न हींअड़े जार ख़ालिक रब जबार कीन मरींदो मरींदो तिन खे। वधीक उनजो टुकड़ो कटियांदो। 22 मई 48 जे फ़ैसिले ते अनवार शेख हिकु मज़मून लिखियो हो, उन मां उहो उर्दू अदीब अजमल कमाल पंहिंजे तरतीब ॾिनल किताब कराची जुल्द पहिरें में ॾिनो आहे, उन मां हिकिड़ो टुकड़ो। 22 मई 48 उहा तारीख़ हुई जॾहिं हिन मुल्क में जमहूरियत पाकिस्तानी पार्लियामेंट जे मुअज़्ज़ज़ मेंबरनि जी वहशी अक्सरियत जे हथां हिकु गैर फितरी मौत मरी वई। समूरनि जमहूरी कानूनी अख़लाक़ी उसूलनि खे बेरहमीअ सां कुचलूंदे सिंध सूबे जे कुंड कुड़्छ में बुलंद थींदड़ एहतजाजनि जे आवाज़नि ऐं इंसाफ़ जे अपीलुनि खे नज़रअंदाज़ कंदे कराचीअ खे सिंध खां जुदा कयो वियो ऐं उनखे न रुॻो कानूनी धाड़ो सॾियो आहे पर उन वक़्तु यादि रहे त मोहब सिंध दूर अंदेश सांझवंद उर्दूदान हल्के पिणु जंहिंजी अॻुवाणी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी करे रहियो हो हिन वहशियाणे क़दम यानी कराचीअ जी सिंध मां अलहदगीअ जी सख़्तु मुखालफ़त कई हुई। सिंध जे सचे सपूत सिराज कराचीअ जे हिन साने ते उन वक़्तु हिकिड़ो नज़्म लिखियो हो जेको कंहिं रिसाले में छपियो ऐं जॾहिं वरी सिंधी अदबी बोर्ड जी नई तश्कील थी त उन में 56 वारे परचे में मोहम्मद इब्राहिम जो उनखे शामिलु कयो। उनजो हिकिड़ो टुकड़ो असांजे बैदिल ॻायो आहे पर जेको टुकड़ो हुन रहायो आहे ऐं उहो पढ़ंदुसि। ए कराची सिंध जा सिंगार ए रूह वतन तुंहिंजे माज़ीअ खे सलाम। ए कराची जान सिंध रूह वतन अॻु बि तूं सौदागरनि जो शहर हुईअं अॼु बि तूं सौदागरनि जो आ वतन पर ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे। अॻु जा सौदागर कंदा हुआ सिर्फ़ु हिकु सौदागरी सिर ॾेई पंहिंजे वतन खे गैर खां ॻिनंदा हुआ। अॼु जा सौदागर त पिया नीलाम कनि पंहिंजो वतन कणिक जे मुठ ते विकामे थो बहिश्त। तुंहिंजो ई माहौल ॾिस कहिड़ो न आहे अजनबी तुंहिंजो सागर केतिरो मायूस आहे। हर घिटीअ में लुटिजे पियो थो आदमियत जो सुहाग सोन चांदीअ जे सजायल जांडरहुनि में अंदरां ई अंदरां ॾिस ज़िंदगी पिसिजे पई आबरू लुटिजे पई आबरू लुटिजे पई अमन आज़ादीअ सिंधी ज़ाहिर ज़हूर गैर ॾिस कहिड़ो न आहे
सर बुलंद केतरो मजबूत आहे साम्राज। ऐं पोइ कराची जे सौदागर पीर इलाही बख़्श उहे क़दम खयां जिन जो खमियाज़ो सिंध अॼु ताईं भोगे पई। पीर साहिब जे नज़र इनायत सां उहे 2 लख वधीक पनाहगीर जिन जी खान साहब खोड़े मुखालफ़त कई सिंधियुनि मथां प्रगट थिया। मकानी हारनि खे बेदख़ल करे ज़मीनूं दारनि खे ॾिनियूं वियूं। नौकरियुनि में उन्हनि खे तरजीह ॾिनी वई। कारखाना दुकान सदन हवाले थी चुका। समय सिंधी स्कूल उर्दू मीडियम में तब्दील थी विया। इन विच में कटियांसि थो पीर इलाही बख़्श नवां क़दम इहा खयां त पहिरीं खोड़े खे हीणो बणाइण लाइ सिंध मुस्लिम लीग जे जनरल सेक्रेटरी आगा गुलाम नबी पठाण खे सेफ्टी एक्ट हेठि गिरफ़्तार करायो। अलवहीद अख़बार जे एडिटर अब्दुल गफ़ूर सीताई खे पहिरीं जेल मोकिलियो वियो। पोइ 6 महीननि लाइ सदर ॻोठु सीता रोड में नज़रबंदि रखियो वियो ऐं अलवहीद अख़बार ते बि 6 महीननि लाइ पाबंदी विधी वई। इन विच में कुदरत जी करणी इहा थी जून 46 जी सूबाई चूंडूं में जेका बेक़ाइदगी थी ऐं जेको केस साईं जी एम सर जो ट्रिब्यूनल जे हवाले में हो उन जो फ़ैसिलो अची वियो जंहिंमें पीर इलाही बख़्श खे सिंध असेंबलीअ जी मेंबरी ऐं वज़ारत तां उहिदे तां ख़ारिज थियणो पियो। संदसि जाइ ते यूसुफ हारून सिंध जो वॾो वज़ीर थियो ऐं ईअं 3 महीननि खां पोइ जी एम सैद आज़ादु थियो नज़रबंदीअ मां। साईं जी एम सैद पंहिंजे साथियुनि सियासी रफ़ीक़नि अदीबनि ऐं दानिशवरनि जे साथ सां मुसलसिल कराचीअ खे सिंध वापसि करण लाइ आवाज़ु उथारियो। 53 में सिंध असेंबलीअ जूं चूंडूं थियूं जंहिंमें ख़ान गफ़्फ़ार ऐं साईं जी एम सैद जी पार्टीअ खे 7 सीटूं मिलियूं। हिन 16 सेप्टेंबर ते सिंध असेंबलीअ में 3 ॻाल्हियूं कयूं। हिकिड़ो सिंध असेंबली मार्फत सिंध जे गवर्नर खे ख़त लिखियो त बाबा कराची सिंध खे वापसि मोटी खपे। उनखां पोइ ॿियो हिकिड़ी अर्ज़दाश सिंध असेंबलीअ जे मेंबरनि खे साॻे ॾींहं ते पेश कयईं ऐं चयईं त हिन उन में हिकिड़ो मुतालबो सिंधी ॿोलीअ खे सरकारी दफ़्तरी ज़ुबान बनाइण जो ऐं ॿियो कराचीअ वारो जेको त ऐं चए त हिन ते जेको सही न कंदो उहो मुंहिंजे आॾो न पर तारीख़ जे आॾो ऐं सिंध जे आॾो ॾुहारी थींदो ऐं जेको सही न कंदो उहो गद्दार थींदो। ऐं उनखां पोइ साॻे ॾींहं ते 14 नुकाती पेश कयईं ऐं तव्हांखे हैरत थींदी इहो तारीख़ जो इंतकाम आहे या तारीख़ जो फ़ैसिलो आहे। साईंअ जे इन धमकीअ वारी तकरीर खां पोइ 18 में जिन 7 मेंबरनि सहियूं कयूं उन में पीर इलाही बख़्श खां साईं सही वरिती ऐं उन में ॿिया हुआ ग़ुलाम मुस्तफ़ा भुरगड़ी रईस अलण खान लिगारी सैद हसन बख्शा शानवाज पीरज़ादो गुल ममन शाह ऐं साईं जी एम सद। हिन मां हिकिड़ो नुक़्तो हो हुरनि जो एक्ट जेको हुरनि जे ख़िलाफ़ु उहो ख़तमु कराइणु उन्हनि खे ज़मीनूं ॾियणु ऐं पीर जी गादी बहाल करण वारो। ॿियो सिंधी ॿोलीअ खे सरकारी ॿोली करण वारो। टियों सिंध में वधीक ॿाहिरियां माण्हू न अचण जो। पर आख़िरी जेको हो कराची वारो हीअ असेंबली सरकार खे सिफ़ारिश करे थी त पाकिस्तान हुकूमत खे कानूनी नोटिस ॾिनो वञे त 2 महीननि जे अरसे अंदरि कराचीअ जो शहर उन्हनि सां लागू एराज़ी, छाकाणि त उनखे जेका कराची शहर खां ॿाहिरीं एराज़ी उनखे फीडल एराज़ी या फीडल बी जेका एरिया आहे ऐं उनखे इहो सॼो उन नाले सां सॾियो वियो उन्हनि सां लागू एराज़ी जंहिंखे कराची फेडरल एराज़ी सॾियो थो वञे सिंध खे वापसि ॾिनी वञे। ॿी सूरत में पाकिस्तान फेडरल कोर्ट में दावा दाख़िल कई वञे। हीअ 14 नुकाती ठहराउ सिंध जी क़ौमी ख़ुदिमुख़्तारीअ जो मुकमिल दस्तावेज़ आहे जंहिंखां डिॼी 14 अक्टूबर 1954 ते वफ़ाक वनियुनि क़ाइमु कई ऐं पाकिस्तान जे सभिनी सूबनि खे ओलंदे सूबनि खे मिलाए हिकिड़ो सूबो ठाहियो वियो। हिन तवील तमीज़ जो मक़सदु इहो हो त हिन मुल्क में पहिरीं ख़राबी वफ़ाक जे गैर आइनी क़दम ग़लति फ़ैसिले ऐं बाला तस्तीअ जे इज़हार कराची सिंध खां खसण जे सूरत सां थी ऐं उहो सिलसिलो पोइ ॾाके ब ॾाके अॻिते वधंदो रहियो। कराची धारनि जी कॉलोनी थी वई। कराची मां 1300 सिंधी मीडियम स्कूल बंदि थी विया। सिंध यूनिवर्सिटीअ जी हैदराबाद मुंतकिली थी। कराची में धार यूनिवर्सिटी थी। सिंधी शागिर्दनि खे इम्तिहानी पेपरनि में सिंधी जवाबु ॾियण ते पाबंदी विधी वई। वनियुनि क़ाइमु थी ऐं ॿाहिरियां माण्हू आया कराची कारखाननि ॿाहिरनि जी उन में दाख़िला थी वई। शरीफ़ कमीशन ज़रिए सिंधीअ खे महदूदु कयो वियो। 58 में
पर 57 में जॾहिं इन ओलह पाकिस्तान में बि ख़ान गफ़ार ख़ान साईं 7 मेंबरनि सां वनियुनि जोड़ो इतफ़ाक़ राय सां ठहराउ पास कयो त 58 में मार्शल हणी हुनखे वरी वनियुनि में आंदो वियो। इहा ॻाल्हि इते ख़तमु न थी, पर जॾहिं 1979 में यहया ख़ान वनियुनि टोड़णु ऐं आज़ादु जमहूरी हुकूमतूं कराइण जो मुतालबो कयो त उन वक़्तु कराचीअ में कराची सूबे महाज़ ठाहे उन जे सदर हाफिज़ मोहम्मद हबीबुल्लाह खां प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वई, जेका कराची सूबे महाज़ जे मजलिस अमल जी सेक्रेटरी महमूदा सुल्ताना साहिबा छपाई, जंहिंमें कराचीअ जूं केतिरियूं ख़ुसूसियतूं बयानु करण खां पोइ हिननि लफ़्ज़नि में कराचीअ सूबे जी घुर कई वई त कराचीअ जूं इहे जेके मथे ख़ासि ख़ुसूसियतूं हुयूं जिन खे साम्हूं रखी पाकिस्तान जे बानी क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिनाह कराचीअ खे सिंध खां 48 में धार कयो ऐं उहे ख़ुसूसियतूं आहिनि जिन जे बुनियाद ते कराचीअ खे हिकु धार सूबो बनाइणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। वरी जॾहिं वनियुनि खां पोइ 1 जुलाई 70 ते वनियुनि टुटी वई, पीपल्स पार्टीअ जी जमहूरी हुकूमत आई, उन ॿोलीअ वारो सिंध जी वाहिद सरकारी ज़बान वारो बिल पेश थियो, उन ते उर्दूदान नाम निहाद जेके हमदर्द हुआ उन्हनि गोड़ कयो ऐं नतीजतन मर्कज़ पारां आर्डीनेंस लागू कयो वियो, सिंध खे ॿिनि ॿोलियुनि जो सूबो करार ॾिनो वियो। फसाद थिया, केतिरा माण्हू मुआ, ऐं उन ते साईं जी एम सैद 1 अगस्त खां सिंध जे दौरे ते निकितो। उन वक़्तु पाण जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन जूं 3 लाइनूं त हिन आर्डीनेंस ज़रिए सिंध खे 2 ॿोलियुनि वारो सूबो बनायो वियो आहे जो को बि गैरतमंद सिंधी बर्दाश्त न कंदो। हिन आर्डीनेंस में सदर साहिबु उर्दूदान साम्राज्यनि खे इहा राह हल्के ॾिनी आहे जंहिंखे हू कराचीअ खे सिंध खां अलॻि करण लाइ इस्तेमालु करे सघनि था। उनखां पोइ अव्हांखे ख़बर आहे त सिंध हुकूमत में एम क्यू में इतिहादी हुई, वक़्तु बि वक़्तु उहे मुतालबा कंदा रहिया, आधा तुमारा आधा हमारा, देही और शहरी सिंध ऐं कराची धार सूबो मुआज़िर सूबो, इहे राग आया। ऐं हाणे ताज़ो 149 आर्टिकल जी ग़लति तशरीह करे हिकिड़ी मर्कज़ जी मुदाख़लत लाइ कमेटी ठाही वई ऐं उनखां पोइ आर्टिकल 249 जी तरमीम जो बिल पेश कयो वियो, जेको त सूबनि जे सिलसिले में जंहिंजी सिंध त मज़ामत कई आहे, पर आउं चवां थो इहे सभु जेके सिलसिला इहे 48 में कराची खसण जो तसलसुल आहे। इन्हनि हालतुनि में साईं जी एम सर यादि अची रहियो आहे, मोहम्मद इब्राहिम जोयो यादि अची रहियो आहे, सराज यादि अची रहियो आहे, बाक़ी 5 मिंट 2 मिंट इन क़बीले जे बुज़ुर्गनि जो यादि अचणु फितरी ॻाल्हि आहे। हीअ 3 हस्तियूं हीअ जहान छॾे विया आहिनि, पर सिराज जे लफ़्ज़नि में हिननि जेके जहान असांजे अंदर में पैदा कया आहिनि उहे जहान शल जहिड़ा रहनि। हिननि सिंध खे छा न ॾिनो, उनजो नालो तशख़ुस, दाइमियत ऐं दवामियत, साज़िश त सिंध जे ज़िंदह रहणु, उनजे जियापे आजपे जी कोशिश जो अहसासु। हिन ॿरंदड़ सूरत हाल में सिराज जा लफ़्ज़ दोहराइणा पवनि था, जेके 23 मार्च 2001 जे रोज़ानी डायन में हुन लिखिया त सिंध जे माण्हुनि जे दिलनि ऐं दिमाग़नि में ख़ौफ़नाक चीख रड़ मौजूदु आहे, नाउमेदीअ जो ग़ज़बनाक जोश वारो समुंड सदन वजूद जे अंदरि ई अंदरि गजी ऐं गुड़ी रहियो आहे, ऐं उहो हिन सिंध जे मथां हींअर या माज़ीअ में हुकूमत करण वारनि या उन्हनि सां लाॻापियल माण्हुनि जे ख़िलाफ़ उथड़ण लाइ आतो आहे। उहो ज़िंदह रहणु ऐं जियापे जे कोशिशुनि जो अहसासु आहे। कोट पूरो आख़िरी पॉइंट, त आऊं हिन नाज़ुक घड़ीअ में सिंधी क़ौम जे समूरनि साजन वंदन ऐं सिंध दोस्त उर्दूदान हल्के खे ॿुधाइणु चाहियां थो त के ऊंदह जूं कुवतूं हिन सूरत हाल जो फ़ाइदो वठी सिंध जे हिन पुरमुन आसमान ते माज़ी क़रीब वारा कारा ककर ॾिसण जूं ख़्वाहिशमंद आहिनि ऐं अहिड़ो वाह घुलाइण जी कोशिश में आहिनि जंहिंखां असां सिंधियुनि खे ऐं उर्दूदान जेके मोबे सिंध आहिनि उन्हनि खे ख़बरदार रहणु घुरिजे। ऐं हिन आर्टिकल जो इख़्तिताम मोहतरम जामी चांडीअ जे हिन पैरा ते करियां थो त सिंध जी वतनी वहदत
ऐं ख़ुदि मुख़्तियारीअ ते मेरी नज़र रखंदड़नि खे यादि रखणु खपे त सिंध खे काब गासिब सग क़दीम ऐं विच वारनि दौरनि में तोड़े बैठकी दौर में बि खसे न सघी त छा एकवीह सदीअ में बाशऊर सिंध वास्ते उन जे वजूद जो विरहाङो क़बूलु करे सघंदा।